क्या ये सही है कि केंद्र सरकार केवल जो कांग्रेस से शासित राज्य है केवल उन्हीं से भेदभाव कर रही है या और पार्टियां भी वहां इस तरह का? देखिए जो भेदभाव मैंने बताया वह अक्षय वाला वो तो सबके लिए लागू होता है, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप कम करते हो रेट को 5 रुपये 10 रुपये कम की उसे काम ही चलेगा, 10-15 रुपये और कम करो, 10 रुपये पेट्रोल में 15 रुपये डीजल के अंदर, उससे हमारे यहाँ भार पड़ेगा 3,500 करोड़ का, वो हमें मंजूर है। आप समझने की कोशिश आप तो कर रहे हो पर पब्लिक को समझाना पड़ेगा आपको आपके कलम से कि मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि 1,000 करोड़ तो मैंने पहले बिना मांगे हुए किसी राज्य ने किए थे, तब भी हमने जनवरी 2021 को मैंने 2% कम कर दिए थे, 1,000 करोड़ का हमें राजस्व कम होगा कोई बात नहीं। अभी जब केंद्र ने कम किया 5 रुपये 10 रुपये तो 1,800 करोड़ का और हमें कम हो गया अपना आप ही, जो केंद्र कम करता है उसी अनुपात में राज्यों में कम हो जाता है, वो हमें मंजूर है ठीक है। अब हमने मांग करी 10 रुपये आप पेट्रोल में, 15 रुपये आप डीजल में और कम करो, अगर महंगाई कम करने की बात करो और विश्वास दिलाओ कि आगे रेट नहीं बढ़ेगी प्रतिदिन वाली तो जाके महंगाई कम होगी, तो हम सुझाव दे रहे हैं उनको, उसके कारण से अगर वो कम करते हैं 10 रुपये 15 रुपये तो 3,500 करोड़ का और घाटा में होगा, वो मंजूर है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नुकसान तो होगा हमें, राज्य से कम होगा राज्य का, वो मंजूर कर रहे हैं हम लोग, कम भी कर दिया और कम कर दिया हमने पहले ही 3,500-3,600 करोड़ रुपए का। हाँ तो ये आप बताइए कि जब हमने कम किया है 1,000 पहले कम हो गया, 1,800 बाद में कम हो गया, अब और हम मंजूर कर रहे हैं 3,500 करोड़ का, तो हम खुद मांग कर रहे हैं कि हमें मंजूर होगा कम होना, हम अपने वित्तीय प्रबंध और ढंग से करने की कोशिश करेंगे, पर पब्लिक को लाभ तो मिले वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुख्य बातें देखो ये है जो पूरे देश को विचलित किए हुए हैं, अब इनके पास तरीके कई हैं केंद्र की मदद करने के, तो राज्यों को अब पता नहीं उन राज्यों को जो इनके खुद के राज्य हैं वो किस चीज में उनको मदद करेंगे। अब जैसे राष्ट्रीय परियोजना में बात कर रहा हूँ, अगर वो मंजूर करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, वो पैसा काम आएगा यहाँ पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कों के अंदर। तो ये तो बात है कि आज परियोजना लागू होती है देश की, राष्ट्रीय परियोजना लागू होती है तो फिर वो फाइनेंस करेंगे बड़े रूप में, कम हिस्सा होगा राजस्थान का। पर आप देखिए नियत देखिए, जो मैं आरोप लगाता हूँ केंद्र सरकार बार बार कि इन्होंने जो पहले फाइनेंस कमीशन ने 38% से 42% दे दिया राज्यों को, हिस्सा दे दिया बढ़ा दिया सब राज्यों को बढ़ाया, इन्होंने क्या चालाकी करी है, वो अगर बढ़ गया जो सेंट्रल डिस्पर्सन स्कीम होती है जिसको कहते हैं CSS आप तो सब जानते हो, उसमें पहले क्या था 80% भारत सरकार का 20% राज्य सरकार कुछ स्कीम में, कुछ में 60-40 था, उन्होंने क्या किया सबको बराबर कर दिया 50-50 पे ले आए, तो जो 44% हुआ था राज्यों का हिस्सा फाइनेंस कमीशन से वो तो सुनी हो गया वापस, वहाँ बढ़ा तो यहाँ कम हो गया, वापस आप हर स्कीम में ज़्यादा बाहर लगाओ, तो ये जो नीति अच्छी नीति नहीं है। संघवाद में उनको चाहिए राज्यों को मजबूत करे, खुद मजबूत होने की बजाय है खुद के पास तो RBI है, नोट छापने की मशीन है, हमारे पास वो मशीन है नहीं, इसलिए हमें चाहिए उनको कि राज्यों को मजबूत करे तो केंद्र अपना मजबूत हो जाएगा, मेरा मानना है।